जंगल। हाय फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं डीसी मोटरों को प्रारंभ करने वाले स्टार्टर। तो डीसी मोटरों को किन किन स्टार्टर के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, डीसी मोटरों को प्रारंभ करने के लिए हम ऐसे स्टार्टर का उपयोग करते हैं जो स्टार्टर धारा को रोक सके, क्योंकि डीसी जो मोटरें होती हैं ये इसमें प्राथमिकता धारा की होती है, क्योंकि इनका टार्क जो होता है ये धारा की मुख्य भूमिका इसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी मोटरों को हम किस किस स्टार्टर के द्वारा प्रारंभ कर सकते हैं और कौन कौन सी मोटरें किस स्टार्टर के द्वारा प्रारंभ कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक ट्रिक लिखी है SSC और 2, 3, 4। अगर यहाँ पर 1 और लिख दिया जाए तो ये किसी भी प्रकार का कोई भी स्टार्टर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं नो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो, ऐसे नो, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये जो है किसी भी प्रकार का स्टार्टर नहीं होता है। अभी पिछली बार एक बार अभी UPPCL में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक डीसी स्टार्टर का रूप नहीं है, और इसमें ये चारों ऑप्शन में था, सिंगल 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर ऐसे था। तो 1 पॉइंट स्टार्टर के आगे नो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब नो का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 पॉइंट स्टार्टर जो है वो स्टार्टर होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम SSC, इसका मतलब हो गया सीरीज, इसका मतलब हो गया संट, इसका मतलब हो गया कंपाउंड। तो सीरीज डीसी श्रेणी मोटर को प्रचालित करने के लिए, एस का मतलब हो गया सीरीज, तो डीसी श्रेणी मोटर को प्रचालित करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 पॉइंट होते हैं, केवल 2 बिंदु होते हैं, इसको 2 बिंदु स्टार्टर भी कहा जाता है या 2 बिंदु प्रारंभक भी कहा जाता है। तो इस स्टार्टर में नाइक्रोम का या फिर मैग्नीन का तार स्टार्टर के रेजिस्टेंस के रूप में मैग्नीन का तार उपयोग में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दूसरे सेकंड एस से मतलब होता है डीसी संट मोटर। तो डीसी संट मोटर को प्रारंभ करने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है, इसको आगे दिया गया सी का मतलब हो गया डीसी कंपाउंड या मिश्रित मोटर। मिश्रित का मतलब इन दोनों के गुण, श्रेणी मोटर और संट मोटर के दोनों के गुण कंपाउंड मोटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड मोटर को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर हम 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स एक और यहाँ पर गुत्थी होती है, इसको सुलझाने के लिए जो डीसी संट मोटर होता है इसको हम 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु इसी मोटर को हम 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 3 पॉइंट स्टार्टर ऑप्शन में नहीं है, 4 पॉइंट स्टार्टर ऑप्शन में दिया गया तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर को हम 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा स्पेशली स्टार्ट करते हैं, परंतु अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इस स्टार्टर को हम 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बताते हैं आपको एसी स्टार्टर के बारे में। तो एसी स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक स्टार्टर के द्वारा, किस स्टार्टर के द्वारा कौन सी मोटर को प्रारंभ किया जा सकता है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रेंड्स एसी मोटरों को प्रारंभ करने के लिए जिन स्टार्टरों का उपयोग किया जाता है वो स्टार्टर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप आराम से और इसको कॉपी पर उतार भी सकते हैं। आज का जो टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ट्रिक से संबंधित है कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट आपके एकदम बिल्कुल एक्यूरेट और कन्फर्म हैं, परीक्षा में निश्चित रूप से आते ही आते हैं, इसमें से कोई भी परीक्षा हारी नहीं है। फ्रेंड्स प्रत्येक परीक्षा में ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे कि हमारा कोई भी वीडियो की जो लिंक है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अपने मित्रों को जरूर बताएं, जितना ज़्यादा हमारा चैनल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हमको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं आपको 100 ट्रिक्स बताने का वादा करता हूं, आज ये शायद हमारी 10वीं या 12वीं ट्रिक होगी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पर हमारे साथ जुड़ना है, इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो फ्रेंड्स चले जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, सभी लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारे फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि एसी मोटरों को प्रारंभ करने वाले जो स्टार्टर होते हैं वो कौन कौन से स्टार्टर होते हैं। सबसे पहले DOL स्टार्टर, इसको फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी इसको कहा जाता है, तो कभी कभी इसको डोल स्टार्टर भी कह देते हैं। हिंदी में ये लिखा हुआ आया है कई बार डोल स्टार्टर, तो डोल मतलब कुछ नहीं, इसको इंग्लिश में आप डायरेक्ट लिख देंगे DOL तो आपको पता चल जाएगा ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इस स्टार्टर का उपयोग अगर सिंगल फेज की मोटरों के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स 5 HP तक की प्रेरण इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए कर सकते हैं।
5 एचपी तक की इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए कर सकते हैं, जबकि 3 फेज की इंडक्शन मोटर जो है, ये 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, ये केवल 3 एचपी तक की चलाई जा सकती है। किसके द्वारा? डायरेक्ट ऑनलाइन के द्वारा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है, केवल ऑन और ऑफ की स्विच बटन होती है, ठीक है। एक ग्रीन कलर की बटन होती है और एक होती है, इसमें जो स्विच होता है वो रेड होता है। फ्रेंड्स, अगला है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसको तारा त्रिभुज स्टार्टर के नाम से भी जानते हैं। और इस स्टार्टर का उपयोग जो है इंडक्शन मोटर जो होती है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर जो कि केवल पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर होती है, इन मोटरों को प्रचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ये 3 फेज की 5 एचपी से 20 एचपी तक की मोटरों को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। और इस स्टार्टर के द्वारा मोटर को केवल स्टेटर की ओर से, कहां से, मोटर को केवल स्टेटर की ओर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस स्टार्टर के द्वारा मोटर को केवल स्टेटर की ओर से कंट्रोल किया जा सकता है, रोटर की ओर से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के मोटर में रोटर में पिंजरे उपयोग किए जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी बाहर से वायर या लीड नहीं निकलती है, इसका पिंजरा क्लोज होता है पूर्णता। तो फ्रेंड्स, जो पिंजरा मोटर होती है, ये 2 प्रकार की मोटरें होती हैं, एकल पिंजरा और डबल पिंजरा। तो फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, जो एकल पिंजरा होता है, इसकी जो टॉर्क होती है, ये कम होती है डबल पिंजरा की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, याद रखना, 3 फेज में 3 मोटरें आपकी सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। पिंजरा प्रारूपी में 2 होती हैं, नंबर 1 एकल पिंजरा, नंबर 2 दोहरी पिंजरा। एकल पिंजरा का टॉर्क कम होता है, दोहरी पिंजरा का टॉर्क ज्यादा होता है। और एक होती है आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क सबसे ज्यादा होता है। इसको हम इस पर हम लोड देकर के भी मशीन को प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि पिंजरा प्रारूपी मोटर को लोड देकर के प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, इसको बिना लोड या निर्भार पर इसको स्टार्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखना है, ये 5 एचपी से 20 एचपी तक की इंडक्शन मोटरें, जो पिंजरा प्रारूपी मोटरें होती हैं 3 फेज की, इनको प्रचालित करने के लिए हम तारा त्रिभुज या स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, जो पिंजरा प्रारूपी मोटरें होती हैं या 3 फेज इंडक्शन मोटरें जो होती हैं पिंजरा प्रारूपी, इनको प्रारंभ करने के लिए जो स्टार्टर लगाया जाता है, तो सबसे पहले स्टार्टर स्टार में स्टार्ट होता है, उसके बाद ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डेल्टा में कंटिन्यू मशीन चलती रहती है। और एक बात बता दें आपको, एसी के जितने भी स्टार्टर होते हैं, ये वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, ना कि धारा को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये ज्यादा क्षमता के स्टार्टर होते हैं और अधिक क्षमता के पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटरों को कंट्रोल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मैनुअली ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और दूसरा होता है ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। जो मैनुअली होते हैं उनका हम 20 एचपी से लेकर के और लगभग 60 एचपी या 100 एचपी के आसपास तक इसका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं 100 एचपी भी दिया हो। और जो ऑटोमेटिक होते हैं उनका उपयोग हम 100 एचपी से ऊपर की जो पिंजरा प्रारूपी मोटर होती हैं उनका पिंजरा प्रारूपी मोटर 1000 एचपी तक की बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, ये पिंजरा प्रारूपी जो मोटरें होती हैं ये 1000 एचपी तक की बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी पिंजरा प्रारूपी मोटर 1000 एचपी की होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि रोटर रेजिस्टेंस या फिर स्लिप रिंग रेजिस्टेंस जो स्टार्टर होता है, इसका उपयोग हम सिंगल फेज की और थ्री फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी ये ऊपर वाली जो मोटरें होती हैं, नंबर 1 DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये सभी स्टार्टर मोटर को स्टेटर की ओर से कंट्रोल करती हैं, जबकि जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, ये स्टार्टर मोटर को रोटर की ओर से कंट्रोल करती हैं। या हम कहेंगे जो आर्मेचर होता है, जो रोटर होता है या गोल्डन पार्ट होता है, उस रोटर की ओर से कंट्रोल करने वाली जो मोटर होती है, ये होती है आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें स्लिप रिंग के माध्यम से इस मोटर को कंट्रोल किया जाता है और ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दें, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, ये 3 फेज की हो या सिंगल फेज की हो, इसका जो रोटर होता है ये स्टार में कुंडलित रहता है 3 फेज का। चाहे वो सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर हो, सिंगल फेज की स्लिप रिंग मोटर हो या 3 फेज की, दोनों का रोटर स्टार टाइप होता है और इसमें जो स्टार्टर लगाया जाता है, जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है, ये भी स्टार टाइप होता है। इसमें उच्च प्रतिरोध रहते हैं,
इस स्टार्टर का उपयोग करके इस मशीन को, जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर को उच्च टार्क पर, या हम कह सकते हैं इसको लोड पर, भार पर भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में तो पक्का ही बताएं। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।